हेलो गाइस, मेरा नाम है विवेक। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे ट्रिगोनोमेट्रिक्स फॉर्मूला को एक दूसरे से रिलेट कर आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिगो का बेसिक फॉर्मूला रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज आपको पता होगा। इसमें साइन थीटा इजकल टू वन बाई कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इजकल टू वन बाई सेक थीटा, टैन थीटा इजकल टू वन बाई कॉट थीटा है। एक और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है टैन थीटा इजकल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, आपको पता होगा। सबसे पहले हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ कॉमन एंगल देखते हैं। इसमें आपको इन छह फंक्शन में किसी एक फंक्शन का वैल्यू याद करना होगा, फिर हम उस फंक्शन के वैल्यू के हेल्प से बाकी सारे फंक्शन का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले साइन फंक्शन का वैल्यू याद कर लेते हैं। तो साइन जीरो का वैल्यू होता है जीरो, साइन थर्टी का वैल्यू होता है वन बाई टू, साइन फोर्टी फाइव का वैल्यू होता है वन अपॉन रूट टू, साइन सिक्सटी का वैल्यू होता है रूट थ्री अपॉन टू, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। अब हम कॉस फंक्शन का देखते हैं। तो कॉस फंक्शन का वैल्यू साइन फंक्शन के वैल्यू का जस्ट अपोजिट होता है, मतलब कि साइन 0 का जो वैल्यू था इसमें कॉस में 90 का वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह कॉस 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा रूट 3 बाई टू, कॉस 45 का सेम रह जाएगा, कॉस 60 का हो जाएगा 1 बाई टू, और कॉस 90 का हो जाएगा 0। अब हम टैन फंक्शन का देखते हैं। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला देखा था टैन थीटा इजकल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पर टैन जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन जीरो बाई कॉस जीरो, तो जीरो अपॉन वन मीन्स जीरो। फिर टैन थर्टी का वैल्यू हो जाएगा साइन थर्टी बाई कॉस थर्टी, तो वन बाई टू अपॉन रूट थ्री बाई टू, तो टू टू कैंसिल होकर हो जाएगा वन बाई रूट थ्री। तो यहाँ पर टैन थर्टी का वैल्यू हो जाएगा वन बाई रूट थ्री। उसी तरह टैन 45 में दोनों कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 1। फिर टैन 60 में रूट थ्री बाई टू अपॉन वन बाई टू, तो टू टू कैंसिल हो जाएगा तो बस रूट थ्री बचेगा। और यहाँ पर टैन 90 में हो जाएगा 1 अपॉन जीरो मीन्स अनडिफाइन। अब हम यहाँ पे कॉट फंक्शन का देखते हैं। तो कॉट फंक्शन वाले यहाँ फॉर्मूला देखे थे, तो कॉट थीटा इजकल टू होगा 1 बाई टैन थीटा। तो अब यहाँ पर कॉट फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉट जीरो का वैल्यू हो जाएगा वन बाई जीरो मीन्स अनडिफाइन। फिर कॉट थर्टी का वैल्यू हो जाएगा वन अपॉन वन बाई रूट थ्री, मतलब कि रूट थ्री। तो यहाँ पर कॉट थर्टी का वैल्यू हो जाएगा रूट थ्री। फिर कॉट फोर्टी फाइव में हो जाएगा वन अपॉन वन मीन्स वन, कॉट सिक्सटी में हो जाएगा वन अपॉन रूट थ्री, और फिर कॉस नाइन्टी में हो जाएगा वन अपॉन वन बाई जीरो, मतलब जीरो बाई वन, मतलब कि जीरो। अब हम यहाँ सेक फंक्शन का देखते हैं। तो सेक फंक्शन वाला यहाँ फार्मूला देखे थे, सेक थीटा इजकल टू वन बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पर सेक जीरो का वैल्यू हो जाएगा वन बाई वन, मतलब वन। फिर यहाँ पे वन सेक थर्टी का हो जाएगा वन अपॉन रूट थ्री बाई टू, मतलब टू बाई रूट थ्री। फिर सेक फोर्टी फाइव में हो जाएगा वन अपॉन वन बाई रूट टू, तो मतलब कि रूट टू। फिर सेक 60 में हो जाएगा वन अपॉन वन बाई टू, तो टू, और फिर सेक 90 में हो जाएगा वन बाई जीरो, मतलब अनडिफाइन। फिर कॉसेक का देखते हैं। कॉसेक फंक्शन में होता है साइन थीटा इजकल टू वन बाई कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वन बाई साइन थीटा। तो कॉसेक जीरो का वैल्यू हो जाएगा वन बाई जीरो, मतलब अनडिफाइन। उसी तरह फिर कॉसेक थर्टी का हो जाएगा वन अपॉन वन बाई टू, तो टू। कॉसेक फोर्टी फाइव में वन अपॉन वन बाई रूट टू, तो हो जाएगा रूट टू। फिर कॉसेक सिक्सटी में हो जाएगा वन अपॉन रूट थ्री बाई टू, तो टू बाई रूट थ्री। और कॉसेक नाइन्टी में हो जाएगा वन अपॉन वन मीन्स वन। अब हम सम एंड डिफरेंस आइडेंटिटीज देखते हैं। इसमें आपको साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, टैन एक्स प्लस वाई और टैन एक्स माइनस वाई फार्मूला याद करना है। तो सबसे पहले हम साइन एक्स प्लस वाई देखते हैं। तो साइन एक्स प्लस वाई होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन वाई इंटू कॉस एक्स। इसका कोई पार्टिकुलर ट्रिक तो नहीं है, लेकिन आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर यहाँ साइन के साथ एक्स आ रहा है तो कॉस के साथ वाई आएगा, और यहाँ पॉजिटिव साइन है तो यहाँ भी पॉजिटिव साइन होगा, और फिर इधर साइन के साथ वाई है तो कॉस के साथ एक्स आएगा। उसी तरह साइन एक्स माइनस वाई का हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू
कॉस एक्स, यहाँ भी यहाँ निगेटिव साइन है तो यहाँ भी निगेटिव साइन हो जाएगा, और कॉस के साथ वाई आ रहा है तो साइन के साथ एक्स आएगा, और इधर साइन के साथ वाई है तो कॉस के साथ एक्स आएगा। उसके बाद कॉस एक्स प्लस वाई का देखते हैं, तो कॉस एक्स प्लस वाई का होता है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो इसका थोड़ा अलग है, यहाँ पर कॉस के साथ एक्स और कॉस के साथ वाई एक साथ आता है, और यहाँ पॉजिटिव साइन है तो यहाँ निगेटिव साइन होगा, फिर उसके बाद साइन एक्स और साइन वाई एक साथ आता है। उसी तरह कॉस एक्स माइनस वाई का हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। यहाँ कॉस एक्स और कॉस वाई एक साथ आएगा, और यहाँ निगेटिव साइन है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन होगा, और फिर इधर साइन एक्स और साइन वाई एक साथ आएगा। अब हम टेन एक्स प्लस वाई का देखते हैं, तो हमें टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला निकालने के लिए हम इसका साइन एक्स और साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स प्लस वाई की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो टेन एक्स प्लस वाई को हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई। अब हम साइन एक्स प्लस वाई और कॉस वाई एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लिख देते हैं, तो हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन वाई कॉस एक्स होल अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब हम इस पूरे आइडेंटिटी को कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से डिवाइड कर देंगे, तो फिर हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई होल अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई होल अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई। अब यहाँ पे कॉस एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे कॉस एक्स कैंसिल हो गया, सॉरी यहाँ पे कॉस वाई और कॉस वाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे कॉस एक्स कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे कॉस एक्स और इधर कॉस वाई, और यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं होगा। अब हमारे यहाँ क्या बचा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो ये होता है टेन एक्स प्लस फिर यहाँ पर साइन वाई अपॉन कॉस वाई मीन्स टेन वाई और फिर होल अपॉन, ये यहाँ पर टोटल कैंसिल होकर वन बचा निगेटिव, फिर यहाँ पे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा टेन एक्स इंटू साइन वाई अपॉन कॉस वाई हो जाएगा टेन वाई। तो ये हमारा आ गया टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, तो हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं टेन एक्स प्लस टेन वाई होल अपॉन वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। उसी तरह टेन एक्स माइनस वाई का निकल जाएगा टेन, इसको हम लिख देंगे साइन एक्स प्लस एक्स माइनस वाई इंटू अपॉन कॉस एक्स माइनस वाई, और फिर उसे उसी तरह सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा टेन एक्स माइनस टेन वाई होल अपॉन वन प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई। सम एंड डिफरेंस आइडेंटिटीज़ के बाद अब हम डबल एंगल फार्मूला देखते हैं। इसमें मेनली आपको साइन टू एक्स कॉस टू एक्स और टेन टू एक्स के बारे में जानना है, फिर उसके बाद हम ट्रिपल एंगल का भी देखेंगे जिसमें साइन थ्री एक्स कॉस थ्री एक्स और टेन थ्री एक्स का फार्मूला है। तो सबसे पहले हम साइन टू एक्स का फार्मूला देखते हैं, तो साइन टू एक्स का फार्मूला निकालने के लिए हम सम एंड डिफरेंस आइडेंटिटीज़ के फार्मूला का यूज करेंगे। तो साइन टू एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस एक्स, अब हम यहाँ पर सम एंड डिफरेंस आइडेंटिटीज़ फार्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्योंकि यहाँ पर
एक्स प्लस वाई था तो यहाँ पर लिखते थे साइन एक्स कॉस वाई, तो यहाँ पर एक्स प्लस एक्स है तो उसका हम सेम लिखेंगे एक्स इंटू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हमारा आ गया साइन टू एक्स का फॉर्मूला। हम इसे यहाँ लिख देते हैं टू इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, उसी तरह कॉस टू एक्स का हो जाएगा, कॉस टू एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस एक्स, फिर उसके बाद ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गया हमारा कॉस टू एक्स का फॉर्मूला। तो कॉस टू एक्स बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब टेन टू एक्स का भी हम उसी तरह निकाल लेते हैं, तो टेन टू एक्स को लिखेंगे टेन एक्स प्लस एक्स, फिर ये हो जाएगा टेन एक्स प्लस टेन एक्स होल अपॉन वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन एक्स, तो हो जाएगा ऊपर टू इंटू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो ये हमारा आ गया डबल एंगल फॉर्मूला। तो टेन टू एक्स का हो गया टू इंटू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब हम ट्रिपल एंगल फार्मूला देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम साइन थ्री एक्स का देखते हैं, तो साइन थ्री एक्स को हम लिख सकते हैं साइन टू एक्स प्लस एक्स, तो हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो हो जाएगा साइन टू एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस टू एक्स इंटू साइन एक्स। अब हम साइन टू एक्स को एक्सपेंड करते हैं तो इसे लिख सकते हैं टू इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर इस साइड कॉस टू एक्स को एक्सपेंड करेंगे तो होगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। अब हम पहले सबको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो इसका हो जाएगा टू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इधर साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स, फिर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा थ्री साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स। अब हम कॉस स्क्वायर एक्स को एक्सपेंड करते हैं तो थ्री इंटू साइन एक्स इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स को माइनस साइन क्यूब एक्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा यहाँ थ्री साइन एक्स माइनस थ्री इंटू साइन क्यूब एक्स, यहाँ माइनस साइन क्यूब एक्स, तो ये हमारा आ गया थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स, तो ये हमारा साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला हो गया। तो इसे हम यहाँ लिख देते हैं, तो साइन थ्री एक्स बराबर क्या आया था थ्री इंटू साइन एक्स माइनस फोर इंटू इंटू साइन क्यूब एक्स। आप यहाँ पर कॉस थ्री एक्स और टेन थ्री एक्स का आप खुद से प्रैक्टिस करके इसका फॉर्मूला निकालिएगा, बस हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं, तो कॉस थ्री एक्स का होता है फोर इंटू कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री इंटू कॉस एक्स, और उसी तरह टेन थ्री एक्स का होता है थ्री इंटू टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ डिटेल से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।